आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हो, वो भी आसान स्टेप में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हो टेक्निकल प्रिंस 9000। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको 3 टैप वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है दोस्तों। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप प्रेस करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो मेरी प्रोफाइल है और मेरा पेज है दोस्तों। तो इसको आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे आपको इसको परमानेंटली डिलीट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है प्रोफाइल है उस पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे दोस्तों, इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद सीधा आपको जो है एडिट पेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है। एडिट वाले पेज पे जैसे ही आप प्रेस करोगे, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है पेज इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद जो है परमानेंटली ऑन होना चाहिए। इसके बाद सेटिंग में आपको सीधा आना है। लास्ट वाले ऑप्शन पे सेटिंग वाला जो ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप प्रेस करोगे, उसके बाद आपको सीधा जर्नल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे प्रेस करना है। एक बार टैप करना, जैसे आप इस पर टैप करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, देख लीजिए आप पे। बाद हल्का सा स्क्रॉल ऊपर करिएगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको यहाँ डिलीट प्रिंसिंग 9000 पेज। इस पेज को आप अगर डिलीट कर दोगे तो आपका 14 दिन में जो है डिलीट हो जाएगा। आप इसे 14 दिन बाद रीओपन भी कर सकते हो। इस पेज को आप इसे ओपन कर सकते हो। और अगर आपने टीवी पर प्रिंसिंग कर दिया और 14 दिन बाद आप नहीं खोल पाते हो तो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा पेज। इसी प्रकार से आप अपने बनाए हुए पेज को आसानी से डिलीट कर सकते हो। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।